जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 2.4 तक कर चुके हैं, आज देखेंगे बेटा 2.5। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सके। तो आ जाओ बिंदास पूरा पेन कॉपी लेके प्रश्नावली नंबर लिखो 2.5 और एक एक क्वेश्चन लगाते हैं बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से और बैठ के यहाँ पे क्या गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप लोग प्रश्नावली नंबर डाल लेना और लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, लगाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या बेटा, गुणनफल निकालना। इसमें चार क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया बाबू x+4 और x+10। दिया बेटा x+4, एक ब्रेकेट में बेटा, दूसरे में x+10। तो क्या करोगे मेरे लाल, इसका मल्टीप्लाई कर दो। x का x में करोगे x² प्लस x का 10 में करोगे बेटा 10x प्लस 4 का x में करोगे 4x और इसमें करोगे बेटा 4 का 10 में हो जाएगा 40, मतलब 40 हो जाएगा बेटा। इसको जब करोगे बेटा सॉल्व तो x² 10 और 4 14x और प्लस 40, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या कह रहा है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा कह रहा है कि x+8 और x-10, x+8 और x-10, यही है बेटा। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो आ जाओ, क्या करोगे बेटा, यहां पे गुणा करोगे दोनों का। x का x में करोगे x² x का 10 में करोगे बेटा, देखना यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, -10x। ठीक है बाबू, यहाँ 8 का करोगे x में तो हो जाएगा +8x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो -10/80 हो जाएगा बाबू। तो x² -10+8x है बेटा, कितना हो जाएगा -2x और -80, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, तो चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, इसमें 4 नहीं 5 है बेटा, 3x+4 3x-5। तीसरा क्या क्या रहा है बेटा, 3x+4 और दूसरे में 3x-5। यही है बाबू, 3x+4 और 3x-5। तो चलो करोगे बाबू क्या होगा, 3 3 का 9 और x * x² +-3 5 15 x हो जाएगा बेटा। 4 का कर लो तो +4 3 12 x और +-4 5 20। तो करोगे बाबू 9 x² और यहाँ पे -15 x + 12 x हो जाएगा -3 x और -20, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है y² + 3/2 y² + 3/2 और y² - 3/2 यह दिया है बेटा। क्या करोगे देखना, a+b a-b है बाबू, तो क्या करोगे a² - b² होगा, यही होगा, हो जाएगा y² - 3/2 होगा बेटा। तो y² का स्क्वायर हो जाएगा y^4 - 3^2 2^4, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ पांचवे नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा क्या कह रहा, कह रहा बेटा 3 - 2x 3 + 2x 3 - 2x और दूसरे में दिया बेटा 3 + 2x। तो बेटा a - b a+b यह भी फॉलो कर रहा है, क्या हो जाएगा a² - b² 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर 3 का हो जाएगा 9 2 का हो जाएगा 4x² ये जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और इसी के साथ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो चलो हम इसको मिटा रहे हैं, अब चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा तो एक एक क्वेश्चन लगाना बेटा। आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वही आप लोगों का जो है गिफ्ट है या कुछ भी समझना आप लोग। ठीक है बाबू, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कई क्वेश्चन है। ठीक है, पहला कह रहा है बाबू
103 गुणे 107, तो 103 गुणे 107, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं बेटा, और इसको लिख सकते हैं 100 + 7 यही होगा बेटा। 100 + 3 कर दें और 100 + क्या करें 7 कर दें। अब बाबू गुणा करेंगे, इसका इसमें करोगे फिर इसका इसमें करना, ठीक है। क्या करोगे, 100 का गुणा 100 में करोगे तो 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का गुणा 7 में करोगे क्या हो जाएगा बेटा, 100 × 7 प्लस, सब प्लस है तो प्लस है चलेगा बेटा। 3 का गुणा 100 में करोगे तो 3 × 100 प्लस, 3 का गुणा 7 में करोगे बेटा तो 3 × 7 हो जाएगा। अब देखना बाबू यहाँ पे 100 × 100 हो जाएगा बेटा कितना, 1 के आगे 4 जीरो, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है बेटा। प्लस 100 × 7 तो हो जाएगा बाबू 700 प्लस 100 × 3 तो हो जाएगा बेटा 3 × 100 = 300 प्लस 21 यही होगा बेटा। तो क्या करें हम इस सबको जोड़ लेंगे, क्या करना जोड़ लेना, जोड़ोगे बेटा आएगा टोटल 1121, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ बेटा दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा बाबू 95 × 96 ये हो जाएगा बेटा, 95 दिया है और गुड़े क्या दिया है 96, तो इसको लिखेंगे बेटा 95 को 100 - 5 और 96 को लिखेंगे बेटा 100, यहाँ पे गुड़े का चिन्ह लगा दो -4, ठीक है बाबू। अब गुड़ा कर लो, 100 का 100 में करेंगे तो 100 × 100 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस, 100 × हो जाएगा 4, 100 × 4 यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा माइनस, 5 × 100 ठीक है बेटा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा प्लस, 5 × 4 तो 100 का 100 में करोगे 10,000 होगा बेटा, और माइनस 4 का गुणा 100 में होगा 400, ठीक है, माइनस 500 और प्लस 4 × 5 = 20। अब इसको बेटा जोड़ना और घटाना, इसके साथ इसको जोड़ देना, इसमें से 5 × 4 = 900 क्या करना घटा देना, घटा दोगे बेटा आ जाएगा 9,120, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। आप लोग इतना कर लेना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बेटा 104 × 96 104 × 96 तो बेटा ये हो जाएगा 100 + 4 ये हो जाएगा बाबू 100 - 4 ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी को फॉलो कर रहा है, कर रहा है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है बेटा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10,000 में से 4 16 घटाओगे बेटा कितना आएगा 9,984 ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, हाँ बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, छोड़ना एक भी नहीं है बेटा, एक एक क्वेश्चन सबको लगाना है और सबको करते हुए जाना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है बेटा उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, क्या करना बेटा गुणनखंड करना है, तो चलो ठीक है। पहला दिया है बाबू इसमें क्या दिया है, 9x² + 6xy + y² 9x² + 6xy + y² यही है बेटा, और इसका गुणनखंड करना बहुत इजी है, ध्यान देना बाबू। 9x को लिख सकते हैं 3x² देखना, 3 × 9 x² हो जाएगा बाबू, और इसको लिख सकते हैं बेटा वाई स्क्वायर है रहने देना, प्लस है तो प्लस, देखना बाबू 6 है तो हम पहले कर दें 2 × 3 ठीक है बाबू, 2 × इसको लिखें बेटा 3x और गुड़े वाई कर दें बेटा, तो देखो 3 × 2 = 6xy 6xy हो गया बाबू, a² + b² + 2ab फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा a + b² 3x + y का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 3x + y एक ब्रेकेट में और दूसरे में भी यही लिखेंगे 3x + y ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्या कह रहा है बाबू,
दूसरा कह रहा 4y² - 4y + 1, ये दिया है 4y² - 4y + 1। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, देखना इसको हम लिख सकते हैं कितना 2y² लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं बेटा कितना +1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं -2 × 2y हो जाएगा × 1 बेटा, 2 × 2 = 4y तो हो गया a² + b² - 2ab a - b² हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे बेटा 2y - 1 एक ब्रेकेट में, फिर दूसरे में भी 2y - 1। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और, तीन ही है ये इसमें। हाँ चलो ठीक है बेटा, तीसरा क्या कह रहा है बाबू, तीसरा कह रहा है कि x² - y² बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं बेटा x² - y/100 है, तो इसको 10 बेटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। a² - b² तो क्या होगा बेटा, a + b एक कोष्टक में, तो हो जाएगा x + y/10, दूसरे में a - b x - y/10 ए हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, चलो यह नोट कर लो। इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। अब लगाएंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, इसमें भी कई क्वेश्चन है, 4, 5, 6 हैं। उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। बेटा सबका क्या करना है, प्रसार करना है। पहला दिया है, क्या दिया है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर x + 2y + 4z दिया बेटा का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है बाबू, प्रसार करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं बाबू a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca या ac भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, तो बेटा क्या करेंगे, हम इसी पे रखते हुए चले जाएंगे। कितना दिया है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा बेटा पहले का x² पहला, दूसरा क्या है बेटा 2y, तो +2y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर +2ab, तो 2 हो जाएगा बेटा 2, a का कितना होगा बेटा, a का x, b का 2y। ठीक है, तो x / 2y +2bc, तो 2y है, c 4z है। ठीक है बेटा, तो 2 × 2y × 4z +2ca, c कितना बेटा 4z है, a कितना है x है, इसको लिख सकते हैं बेटा 4z × x। ठीक है, तो इसको करोगे बाबू तो क्या होगा, x² + 2 का स्क्वायर 4y² + 4 का स्क्वायर 16z² + 2 × 4 = 16yz + 2 × 4 = 16yz + 2 × 8 zx या xz भी लिख सकते हो बेटा। ये हो जाएगा इसका प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर। और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा दे रहा है, दूसरा दिया 2x - y + z का होल स्क्वायर 2x - y + z का होल स्क्वायर यही है बेटा 2x - y + z का होल स्क्वायर बेटा। इसी फार्मूले पे इसको भी तोड़ना, a का स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b के आगे क्या बेटा -y, तो हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ लेके चलना। ठीक है बेटा, का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c कितना बेटा z, तो हो जाएगा z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a का मान कितना बेटा, देखो प्लस 2ab, तो 2 a का मान 2x b का मान -y है। ठीक है बेटा, प्लस 2bc 2 × b का मान -y, c का मान कितना बेटा z है, यहां पे हो जाएगा z, प्लस 2ac या ca यही है बेटा, तो z × 2x हो जाएगा 2z / 2x यही होगा।
तो चलो आ जाओ बाबू यहाँ पे, दो का स्क्वायर चार, यक्स का यक्स स्क्वायर, माइनस की स्क्वायर प्लस, वाई का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस। देखना दो दूनी चार और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस चार यक्स वाई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और दो वाई जेड और प्लस दो दूनी चार जेड यक्स या यक्स जेड लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया इसका आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर चार का दो कर चुके हैं हम लोग, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब इजी बहुत है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। इसको हम मिटा दिए, आ जाओ बेटा इसका तीसरा, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा इसी का तीसरा है ना बेटा, तो चलो आ जाओ क्या कह रहा है बाबू तीसरा। कह रहा है माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस दो जेड, माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई और प्लस दो जेड का होल स्क्वायर, यही है बेटा। तो चलो ठीक है, अभी तो फार्मूला हम लोग मिटा दिए, तो यहां पे लिख ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए या टू ए सी हो जाएगा बेटा। इसी पे इसको खोल देना, खोलोगे बाबू तो कितना होगा, माइनस दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेटा तीन वाई का होल स्क्वायर प्लस दो जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दो ए बी, तो दो गुणे ए का मान दो एक्स है बेटा, बी का मान तीन वाई है तो तीन वाई प्लस दो बी सी, बी का मान तीन वाई और जेड का मान बेटा दो जेड है प्लस दो ए सी या सी ए, तो सी का मान कितना बेटा दो जेड, दो जेड और ए का मान कितना बेटा माइनस दो यक्स है, यही है प्लस क्या है बेटा दो, सी का मान है दो जेड और इसका मान है कितना बेटा माइनस दो यक्स। चलो आ जाओ यहां पे आगे क्या होगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस दो का चार तो हो जाएगा चार यक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर नौ, वाई का वाई स्क्वायर नौ वाई स्क्वायर प्लस चार जेड स्क्वायर, ये होगा ना बेटा प्लस चार जेड स्क्वायर बेटा, दो दूनी चार तीन बारह और प्लस माइनस 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 बारह यक्स वाई, ठीक है प्लस। देखना बेटा तीन कहाँ गए, यहाँ पे दो तीन छह दूनी बारह, यहाँ पे भी बारह हो जाएगा बारह वाई जेड प्लस बारह वाई जेड, ये होगा बेटा दो दूनी चार दूनी आठ तो बेटा प्लस माइनस माइनस आठ यक्स जेड, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, आराम से एकदम कर लोगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं बेटा तीसरे पे, हो गया चौथे पे, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। चौथा कह रहा बेटा थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यही है बेटा थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे बेटा उसी पे, तो कितना होगा थ्री ए का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, दोनों माइनस में है, चलो ठीक है बेटा प्लस टू ए बी, दो गुड़े ए का मान थ्री ए, बी का मान माइनस सेवन बी प्लस टू बी सी, बी का मान माइनस सेवन बी और सी का मान माइनस सी, माइनस सेवन बी और माइनस सी, ठीक है बेटा प्लस टू ए सी या सी ए, तो बेटा माइनस सी इंटू बेटा कितना है थ्री ए, कर लोगे बाबू आ जाओ यहाँ पे तीन का स्क्वायर नौ, ए का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस सात का स्क्वायर उनचास बी स्क्वायर बेटा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस सी का सी स्क्वायर, ठीक है, और देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे बेटा टू ए बी, यहाँ पे प्लस रहेगा ठीक है, गलत नहीं हो जाता। सात त्रिक इक्कीस दूनी बयालीस, या तो तीन दूनी छह, दो तीन छह सत बयालीस ए बी, तब भी वही आता ठीक है बेटा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा बेटा सात दूनी चौदह बी सी और माइनस प्लस माइनस दो तीन छह ए सी, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है आप लोग कर लोगे,
आ जाओ पांचवे पे बेटा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा बेटा माइनस दो एक्स प्लस पांच वाई माइनस तीन जेड, माइनस दो एक्स प्लस पांच वाई माइनस तीन जेड का होल स्क्वायर। यही बेटा माइनस दो एक्स प्लस पांच वाई माइनस तीन जेड का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको भी खोल दो वैसे सेम, तो क्या होगा देखना, माइनस दो एक्स का होल स्क्वायर प्लस पांच वाई का होल स्क्वायर और प्लस माइनस तीन जेड का होल स्क्वायर प्लस दो ए बी, ए का मान माइनस दो एक्स और बी का मान पांच वाई, माइनस दो एक्स और गुड़े पांच वाई और प्लस दो बी सी, बी का मान पांच वाई सी का मान माइनस तीन जेड, पांच वाई गुड़े माइनस तीन जेड प्लस दो ए सी, सी ए माइनस तीन जेड माइनस दो एक्स, माइनस तीन जेड गुड़े माइनस कितना बेटा दो एक्स। ठीक है आ जाओ यहां पे, माइनस के स्क्वायर प्लस दो का चार एक्स स्क्वायर प्लस पांच का पच्चीस वाई स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस तीन का नौ नौ जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा माइनस प्लस माइनस दो दूनी चार पंजे बीस एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस पांच दूनी दो पचे दस दस तिया तीस वाई जेड और माइनस माइनस प्लस दो तिया छह दूनी बारह बारह एक्स जेड। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर पांच का। ठीक है चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, उम्मीद कर रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन जो भी हुआ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ मेरे लाल आओ, अभी इसमें एक और है, पांच हुआ है ना, छह था। देख रहे हैं बेटा छठवां क्या कह रहा है, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। इसमें भी मिट जाता है बार बार। क्या दिया बेटा, कहां गया, दिया है कि एक बटे चार ए माइनस एक बटे दो बी प्लस ए का होल स्क्वायर। दिया बेटा एक बटे चार ए माइनस एक बटे दो बी और प्लस एक का होल स्क्वायर, यही दिया बाबू। चलो ठीक है इसको ए इसको बी इसको सी मान के सॉल्व कर दो। ठीक है बाबू क्या होगा, ए का स्क्वायर एक बटे चार ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक बटे दो बी का होल स्क्वायर प्लस सी एक का स्क्वायर प्लस टू ए, ए का मान कितना बेटा एक बटे चार ए इंटू बी, बी का मान माइनस एक बटे दो और क्या बेटा यहाँ पे बी। ठीक है टू ए बी हो गया बाबू, अब आ जाओ प्लस टू बी सी, टू बी का मान कितना बाबू माइनस एक बटे दो बी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक बटे दो बी, सी का मान कितना बेटा एक प्लस टू सी का मान एक, ए का मान बेटा एक बटे चार ए, कर लोगे इतना तो आ जाओ यहाँ पे बेटा एक का स्क्वायर एक चार का हो जाएगा सोलह, ए का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस एक का एक दो का चार बी स्क्वायर और एक का एक। ठीक है बाबू और देखना यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस होगा दो से दो कैंसिल तो बचेगा ए बी बटे चार, ए बी बटे चार ही बचेगा ना, तो हो जाएगा बेटा माइनस ए बी बटे चार या एक बटे चार ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक बटे चार ए बी बेटा माइनस प्लस माइनस दो से दो कैंसिल, यहाँ पे बेटा बी का गुणा एक में होगा तो बी और प्लस दो दूनी चार हो जाएगा एक बटे दो, एक बटे दो ए, ए हो जाएगा बेटा। तो चलो यहां से करोगे क्या करोगे, कुछ फिर बदल हो सकता है, नहीं रहने देना छोड़ देना बेटा। ठीक है इसी पे छोड़ देना इसको आंसर, ए हो जाएगा इसका आंसर, ज्यादा तीन पांच करने की जरूरत नहीं है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, चौथा था, चौथे का छठवां, यही था ना क्वेश्चन नंबर चार का छह, ये हो गया बाबू इसी के साथ खत्म। ठीक है तो चलो चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर पांच पे,
क्वेश्चन नंबर पांच का पहला, ए प्लस बी फिर मिट गया बेटा है सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना ध्यान से, कह रहा बेटा फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस क्या दिया है बेटा प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस सोलह जेड स्क्वायर, यही दिया ना बेटा सोलह जेड स्क्वायर प्लस कहा गया बारह एक्स वाई माइनस चौबीस वाई जेड, बारह एक्स वाई माइनस चौबीस वाई जेड और कहा गया बेटा माइनस सोलह एक्स जेड, माइनस सोलह एक्स जेड। ठीक है बेटा माइनस सोलह एक्स जेड यही है बेटा, तो कोई बात नहीं। क्या बोला बाबू गुणनखंड कीजिए, क्या कह रहा बेटा इसका कह रहा है गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कैसे होगा देखना बाबू, ए अगर तोड़ोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में, तो कैसे आएगा देखना, यहाँ पे बेटा माइनस है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, ये वाई दोनों है बेटा तो यहाँ पे प्लस है, तो मतलब ना तो एक्स माइनस में ना तो वाई माइनस में, दोनों जेड है बेटा दोनों में, यहाँ भी जेड है यहाँ पे जेड है दोनों माइनस में, तो जेड वाला लेंगे माइनस के साथ। ठीक है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, फोर को लिखेंगे टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन, हाँ इसको लिखेंगे बेटा थ्री वाई का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्यों बेटा क्योंकि देखो दो दूनी चार एक्स का एक्स स्क्वायर, तीन त्रिक का नौ वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बाबू इसको प्लस इसको लिखेंगे बेटा माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस चार का सोलह जेड का जेड स्क्वायर। ठीक है बाबू, प्लस टू ए बी के रूप में तोड़ेंगे तो देखते ही बैठता है नहीं, दो ए का मान कितना बेटा दो एक्स, बी का मान तीन वाई। ठीक है देखना आप बाबू क्या होगा, दो दूनी चार तीन बारह एक्स वाई हो गया प्लस दो, दो क्या होता है दो ए बी दो बी सी, बी का मान कितना बेटा तीन वाई और जेड का मान कितना बेटा माइनस फोर जेड, तो देखना दो तीन छह छह चौक चौबीस और प्लस माइनस माइनस चौबीस वाई जेड हो गया बेटा, ये भी बैठ रहा है एकदम सटीक। प्लस बेटा दो सी ए आई ए सी, सी का वैल्यू कितना बेटा माइनस फोर जेड। ठीक है ए का वैल्यू कितना है दो एक्स, तो बेटा देखो दो चौक आठ दुनी सोलह, सोलह बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और जेड एक्स या एक्स जेड है तो एक्स जेड हो गया। तो अब बाबू ये टूट गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के रूप में, तो किसका होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो इसका गुणनखंड जो होगा लिख देना टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड एक ब्रेकेट में और ये दोबारा भी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड यही हो जाएगा दोबारा। ठीक है आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पांचवे का पहला था बेटा, देखते हैं पांचवे का दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आठ जेड स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आठ जेड स्क्वायर। ठीक है बाबू, प्लस माइनस क्या दिया बेटा दो रूट दो माइनस दो रूट दो एक्स वाई। ठीक है बेटा, आगे क्या दिया बाबू प्लस चार रूट दो वाई जेड और माइनस क्या दिया बेटा दिया है आठ एक्स जेड, आठ एक्स जेड। ठीक है बेटा, तो देखना एक चीज यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, यहाँ एक्स है तो माइनस है यहाँ भी एक्स है तो माइनस है बेटा, यहाँ पे वाई जेड दोनों है लेकिन यहाँ प्लस में है तो मतलब एक्स वाला माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा दो एक्स को लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट दो एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट दो का स्क्वायर होगा बेटा दो होगा माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब बाबू आठ को क्या लिख सकते हैं हम, आठ को लिख सकते हैं दो रूट दो जेड, दो रूट दो है बेटा इसका जेड का होल स्क्वायर। ठीक है दो का चार होगा कड़ी में दो का दो चार दूनी आठ जेड स्क्वायर। ठीक है बाबू, प्लस दो ए, ए का कितना बेटा माइनस अंडर रूट टू एक्स, तो माइनस इन अंडर रूट टू एक्स, बी बी का कितना बेटा वाई प्लस, अब एक चीज देखना बेटा दो रूट दो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बैठ रहा है सटीक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दो यहाँ पे दो हो गया बी सी होता है बी का मान कितना है वाई है और C का मान कितना बेटा C का है दो कड़ी में दो
जेड, तो यहाँ पे दो कर्ड़ी में दो जेड हो जाएगा बेटा, प्लस देखना दो दूनी चार कर्ड़ी में दो और वाई जेड हो गया बेटा, प्लस दो सी ए, सी का दो कर्ड़ी में दो जेड, दो कर्ड़ी में दो और जेड इंटू ए, ए का मान माइनस कर्ड़ी में दो यक्स, यही बेटा। तो देखो कि प्लस माइनस माइनस दो दूनी चार और बेटा यहाँ पे कर्ड़ी में दो गुड़ी कर्ड़ी में तो दो हो जाएगा, चार दूनी आठ जेड यक्स या यक्स जेड हो गया बेटा। तो क्या किसमें फॉलो कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा माइनस अंडर रूट टू यक्स प्लस वाई और प्लस क्या कहा गया बेटा दो कर्ड़ी में दो जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू माइनस इन अंडर रूट दो यक्स प्लस वाई प्लस दो कर्ड़ी में दो जेड और दूसरे में भी हो जाएगा माइनस कर्ड़ी में दो यक्स प्लस वाई प्लस दो कर्ड़ी में दो जेड, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग कर लोगे अब बिंदास ऐसे क्वेश्चन को, आप लोग आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पांच क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छह। इसमें भी कई क्वेश्चन है बाबू, छठवें भी चार क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, पहला दिया बेटा 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसके लिए बेटा क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है बाबू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए, याद होना चाहिए आपको 3ab कोष्ठक में प्लस बी, याद रहेगा तभी कर पाओगे बेटा, नहीं दिक्कत होगी। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में माइनस बी, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो बेटा इसको ये मानना है इसको b, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a का क्यूब, इस फार्मूले पे रखना तो हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का 2x b का 1 कोष्ठक में a प्लस बी, मतलब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहां से करोगे बेटा 2 का क्यूब 8 यक्स क्यूब, 1 का 1 प्लस बेटा 3 दूनी 6x और 2x प्लस 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। तो 8 यक्स क्यूब प्लस 1, 6 दूनी 12 यक्स और प्लस बेटा 6x कर लोगे, 12 यक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, x का गुणा x में होगा ना, इसको हम लिखेंगे बेटा 8 यक्स क्यूब प्लस 12 यक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक बचा है 1, ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसारित रूप, ही पूछा है ना, गुणनखंड कीजिए कहां गया, हाँ प्रसारित रूप में लिखिए, हो गया बाबू कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा है बेटा 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, बेटा a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, इस पे तोड़ोगे a क्यूब तो 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, 3b का होल क्यूब माइनस 3a का 2a b का 3b और कोष्ठक में a माइनस b, 2a माइनस 3b, ठीक है। आ जाओ बेटा यहाँ पे 2 का 8 a का a क्यूब माइनस 3 का 27 b का b क्यूब, ठीक है बेटा, माइनस 3 त्रिका 9 दुनी 18 है ए बी और यहाँ पे 2a माइनस 3b हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे 8 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 18 दुनी 36 a का गुणा a में 36a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 तीन 54 ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, आ जाओ अगले पे बेटा, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा 2/3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, 2/3 नहीं 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है बेटा यही दिया है। चलो इस सेम क्वेश्चन पे तोड़ेंगे सेम सूत्र पे, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब बेटा 3/2 एक्स का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना बेटा 1 का क्यूब प्लस 3 a का 3/2 एक्स प्लस बी, एक कोष्ठक में प्लस बी 3/2 एक्स प्लस 1 यही होगा बेटा। यहाँ पे हम कर रहे हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8
यक्स क्यूब प्लस एक का एक बेटा, तीन त्रिका नौ बटे दो, नौ बटे दो यक्स और तीन बटे दो यक्स प्लस एक, ठीक है बेटा। तो यहां पे करोगे 27 बटे आठ यक्स क्यूब प्लस एक प्लस नौ त्रिक 27, दो दूनी चार, यक्स का गुणा यक्स में बेटा यक्स स्क्वायर, ठीक है हो जाएगा। अब यहां पे करोगे बेटा इसका गुणा इसमें, तो प्लस नौ बटे दो यक्स और हाँ इस इतना ही होगा बेटा, इसका उसमें होगा नौ बटे दो यक्स। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 27 बटे आठ का यक्स होल क्यूब, यक्स का होल क्यूब और बेटा प्लस 27 बटे चार यक्स स्क्वायर प्लस नौ बटे दो यक्स और प्लस एक, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ चौथे पे, देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा, और प्रश्न संख्या छठवां का लास्ट क्वेश्चन है, यक्स माइनस दो बटे तीन वाई का होल क्यूब, यक्स माइनस दो बटे तीन वाई का बेटा वहां पर वाई है होल क्यूब, ठीक है। अब बाबू इसको लगाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब पे, क्या होगा ए का क्यूब एक्स क्यूब माइनस दो बटे तीन वाई का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी और कोष्टक ए प्लस बी कितना बेटा ए माइनस बी एक्स माइनस दो बटे तीन वाई, ठीक है। तीन से तीन कैंसिल, दो बटे तीन है ना, तीन बटे दो ना हो, तीन से तीन कैंसिल बेटा, यक्स का यक्स क्यूब माइनस दो का आठ तीन का सत्ताईस वाई क्यूब और माइनस बेटा दो यक्स वाई, दो यक्स वाई और यहां पे हो जाएगा बाबू यक्स माइनस दो बटे तीन वाई, ठीक है। तो हो जाएगा यहां पे यक्स क्यूब माइनस आठ बटे सत्ताईस वाई क्यूब माइनस इसका इसमें गुणा होगा दो यक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस दो दूनी चार बटे तीन यक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पांच भी खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को इससे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।